अबे जो इतनी भर रखी है फाइलें मेज पे, उनके केस तो निमटते बनना रहे, बातें बना रहे हैं बिल्कुल दोनों। मैं देख रही हूँ बहुत लंबी हो रही जबान। अरे और समेटो ये कंचे, इससे पहले कि कोई आके फिसले इन पे और मारी गोद में गिरे बिल्कुल आर के पोज बना के। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना। कंफ्यूजन। मम्मी जी, आई थिंक दिस वुमन इज वुमन नहीं मैन। या दिस वन। मैडम वो जा चुके हैं वैसे ये। अबे तो तुम भी जाओ और काम पे लगो, बिल्कुल मन ने बता रहे हैं हर चीज यहाँ, कोड ऑफ कंडक्ट कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है चौकी में हैं? कोई केस नहीं आया तो तुमने गवैये मंगा लिए एंटरटेनमेंट के लिए? नो मॉम, ही इज द कम द इट्स सेल्फ द ही। इसके कहने का मतलब है मैडम क्या हमने नहीं बुलाया किसी को, ये तो खुद आए हैं। शायद इन्हें पता चल गया होगा कि हम चौकी में बोर हो रहे हैं इसलिए एंटरटेन करने आ गए। वैसे मैडम आपने इनका पूरा गाना सुना नहीं, आपने पूरा गाना सुना होता ना तो अब एकदम बॉडी आ जाती मतलब पगला जाती। मेरा मतलब है आपको अच्छा लगता। नहीं, ये नहीं आए हैं यहाँ गाना गाने, ये तो आए हैं यहाँ FIR लिखाने। ओके बाय। किसके खिलाफ लिखानी है FIR? किसी ने थारा तबला फाड़ दिया के? जी तबला नहीं, शॉल फाड़ दिए। इज्जत की पंजीरी झाड़ दिए, संगीत साबुदाना है। क्या बात कर रहे हैं आप, संगीत साबुदाना है? वैसे साबुदाना मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली साबुदाना के वड़े या फिर वो साबुदाना खीर मुझे बहुत। नहीं मतलब अगर जैसे खाने पीने की कोई बात आवे ना तो इसके मुंह में कैंटीन खुल जावे। वैसे जो है कोई केस में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन खाने पीने की बात करवा लो इनसे प्लीज। खान पान, सॉरी भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट्स। तू बोल कौन है तू? जी हम है मशहूर सिंगर गमला गुनगुनाहट, संगीत साबुदाना है, और ये है हमारी शिष्य विमला, और वो है कमला विद कमला, संगीत साबुदाना है। मैटर बोल ले अपना मैटर, वरना गमला फोड़ दूंगी, मिट्टी बखेर दूंगी, पौधा उखाड़ दूंगी मैं। देखिए क्या है कि जो कुछ भी आपको कहना है जरा गला खकार के खुल के हमारी मैडम के सामने कह दीजिए, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का शरबत गुस्से के पर्वत पे गिर गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की सुतली, बॉम्ब की सुतली, मेरा मतलब है अत्याचार की पुतली। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हैं आप? यस ब्रो। छेती छेती दसो की प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मैटर इज द विमला आलाप दो। बोरे भाई तोरी बाट तक तू पिया, बोरे भाई तोरी बाट तक तू पिया। सुंदर, अति सुंदर। कौन, कमला या विमला? दाता थी। कैरी ऑन। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि दो लड़के हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या बात है यार, मतलब दो लड़कियां भी हैं और दो लड़के भी हैं। नहीं मैडम, मैं केस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये दो लड़कों ने किया क्या, वो दो लड़कों ने इन दो लड़कियों को छेड़ दिया या फिर ये दो लड़कियां उन दो लड़कों के साथ भागना चाहती हैं? व्हाट्स द स्टोरी? सॉरी
मैडम दरअसल बात ये कि जब भी हम प्रोग्राम करने जहां भी जाते हैं ये दोनों लड़के वहां आ जाते हैं, और जब दूसरे लोग हमारे गाने की दाद दे रहे होते हैं मैडम तो ये दोनों लड़के स्टेज पे चढ़ जाते हैं। गाना गाने, गाना नहीं गाने, दाद देने, हमें दाद देने, संगीत साबुदाना है। वेल ब्रो, तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हें दाद ना दे? दादाजी दाद दाद नहीं, दाद देने के बहाने स्टेज में चढ़ते और हमारे दांत तोड़ के चले जाते। मैडम कल ही एक प्रोग्राम था और ये दोनों आए। अरे मैडम स्टेज पे चढ़े, हमारी शॉल फाड़ दी उन्होंने, हमारा हारमोनियम तोड़ दिया, हमें इतना सूता कि फोड़ दिया। संगीत साबुदाना है। आप बताइए मैडम, दांत देने का ये भला कौन सा तरीका है? यार कौन से हो रहे हैं ये दो अनोखे लौंडे? हैं दांत देनी है तो भाई नोट वोट बारो, हैं पीट वीट थप थपा, अरे हेलो हुजूर ये सब करो, साष्टांग प्रणाम वगैरह करो अगर इतने फैन हो रहे। अरे भैया और तो और ताली पीट लो, कलाकार ने क्यों पीट रहे हो? हाँ मैडम मैं आपको एक और बात बताऊं, ये दोनों लड़के जो भी करते हैं ना ये जान बूझ के करते हैं, संगीत साबुदाना है। क्यों विमला कमला, सही कह रहा है ना कमला? अब मैं क्या कहूँ? क्यों कमला? हाँ विमला, उनको बुलवाओ जरा दोनों को। आइए आइए। Did you call us? बुलवाया है? नाम? जी मैं इन्वॉल्व हूँ। ओह किस चीज में इन्वॉल्व हो यार, झपड़ झपड़ झाए झाए में या सनन सनन साए साए में? ना वो इन्वॉल्व होना हो, तू कतई इन्वॉल्व हो रहा है। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की से भोली है। अरे मैडम मैं तो जरा पूछताछ। ना पूछ ना ताश, ना लस्सी ना छास, जब काम ना हो जबान ने रेशते मुंह ने जेपेट। या गुलगुले अंडरएस्टिमेट या नॉट अंडरस्टैंड, जैसे बस स्टैंड या दिस वन। अबे दांतों के अंदर इतनी जगह हो रही है कि एक बस गुजर जाए बीच में से। ये पोपा, हाँ भाई तू इन्वॉल्व है? जी मेरा नाम इन्वॉल्व है, मतलब इंदर इन्वॉल्व। वो देखो। क्या देखो? नहीं नहीं वहां मत देखो, वो तो मेरा तकिया कलाम है। और तू शतुर्मुर्ग? जी ये इंदर है, मैं भूपेंद्र हूँ। ये देखो। क्या देखो? दद्दू आप समझे नहीं, ये देखो मेरा तकिया कलाम है, ये देखो। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे अगर दद्दू कहा तो। आई एम नॉट दद्दू, आई एम दूध। क्या दूध? या दूध मिलक दूध। You mean dude? Yeah, this one. Yeah. हाँ भाई, इन्हें पहचान रहे हो तुम? अरे ये तो विमला है, वो देखो। और ये कमला है, ये देखो। तुम्हारी मासी की लड़कियां हो रही है कमला विमला, इन्हें देख रहे हो? अबे इसे देखो और पहचानो, ये जो बीच में बैठा है भोंडी सकल का, अधेड़ उम्र का आदमी। ओ अरे महाराज, गुरुजी, ओ गुरुजी, अरे 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 क्या आपने गजल गाई है, मैं चार दिन से नहीं सोया हूँ, मैं क्या बताऊँ? अरे वो बस वो हेलो। अरे चुप करो मैडम, ये देखिए, ये देखिए ये लोग किस तरह से मुझे गिराना चाह रहे। संगीत साबुदाना है। नहीं नहीं मैडम, ये तो इतने महान कलाकार हैं, हम तो इनके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुजी।
तभी तभी तुम दोनों इनके हर शो पर पहुंच जाते हो और स्टेज पे चढ़ जाते हो और इनकी सुताई करते हो, शॉल फाड़ देते हो, हारमोनियम तोड़ देते हो। मैडम हम तो मतलब इनकी कला के इतने बड़े पुजारी हैं, इनको दाद देने के लिए हम मंच पे जाते हैं, लेकिन इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, हमें कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता क्या क्या कर दिया हमने। हम बाद में हम लोग होश में आते हैं, फिर हमें बताया जाता है, हमें पता चलता है कि हमने भाई गलत जो भी हो गया वो हमें नहीं, कुछ पता नहीं होता। ये देखो ये मैडम फोर की बात आता है नंबर फाइव, क्यों ना करें हम एक डेमो लाइव। ओके बाय। दिस इज गुड सजेशन। ऐसा है कल चौकी में होगा डेमो, तो पता लगेगा कि तुम जो है इन्हें कैसी दाद देते हो और यो कैसी दाद लेता है तुमसे। ओके हाँ हाँ जरूर। अरे संगीत साबुदाना है। अंकल एक सवाल पूछो। Do I have a choice? पूछो। अंकल एक आदमी था, वो गाड़ी चला रहा था, उसके ब्रेक फेल हो गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, क्यों? ब्रेक फेल हो गए फिर भी उसने स्पीड बढ़ा ली, क्यों? क्योंकि उसको जल्द से जल्द घर पहुंचना था। किसके घर? भगवान के घर। Nice one. चल घर जा, अपने अपने घर जा। मॉम कैन बी स्टार्टर। स्टार्ट दिस वन। चलो भाई डेमो शुरू करो, कम ऑन। अबे मारी फोटो पे हार चढ़ गया है। मैंने टिकट कटा लिया है ऊपर का। नहीं हेवेनली बॉडी हो गई हूँ मैं। अबे तो क्यों मारे जिंदा रहते हैं, ऑर्डर तू दे रहा है। ओ सॉरी सॉरी भाई, बड़े साहब का ऑर्डर आ गया है, करो डेमो स्टार्ट। अरे अरे गुरुजी वाह मजा आ गया, मतलब अरे मजा आ गया गुरुजी, वो देखो। उफ 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 क्या गाया आपने, क्या गाया आपने, कमाल। मैं ये देखो। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या था यार? आप तो कह रहे थे कि ये लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं, शॉल फाड़ देते हैं, हारमोनियम तोड़ देते हैं, सुताई करते हैं आपके, लेकिन ये दोनों तो कितने शरीफ बच्चे हैं दोनों। ओह ये अरे नहीं नहीं मैं आपको बताऊं, ये लोग दरअसल आपको दिखाने के लिए शराफत में खड़े, वरना वही सच है जो मैंने कहा है, संगीत साबुदाना है। हाँ डेमो देखकर तो ऐसा ना लगा भाई, डेमो से तो यो साबित हुआ है दैट दिस टू मेन हियर आर गुड बॉयज। नहीं नहीं मैडम आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए, इन्हें अंदर कीजिए मैडम आप प्लीज। देखिए क्या है, दरअसल कल मेरा प्रोग्राम है जहां महारानी ऑफ तोतापुर खुद आ रही हैं, खुद, और अगर कहीं स्टेज पे चढ़ के इन लोगों ने कल हमें दाद दे दी तो हमारी इज्जत का पापड़ भुन जाएगा। संगीत साबुदाना है, यो लोग ऐसा कुछ ना करेंगे, और अगर करेंगे तो भरेंगे। चलो भाई संगीतकारों, वेरी नाइस सिंगिंग है, इब निकलो चलो। मॉर्निंग मॉम। नमस्ते। ये उस केस की फाइल है जो 5 साल पहले सॉल्व हो चुका है। नहीं! आ रहा है गमला विद विमला एंड कमला। ओके बाय।
मैडम मैडम अरे दांत मैडम संगीत साबूदाना है अब और गजल हमें नहीं गाना है Well, bro, you are looking cool. है? एक पिटा हुआ आदमी जो औरतों के सहारे से तो चल पा रहा है वो कूल दिखे तेने Sorry, carry on. वैसे क्या हुआ वो देखो और ये देखो ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ हाँ हाँ वही दोनों वो फिर हमारे प्रोग्राम में आ गए थे मैडम महारानी ऑफ तोतापुर के सामने वो स्टेज पे चढ़ गए मैडम और चढ़ के हमें दांत देने लगे मैडम ऐसी दांत दी कि ये देखिए दांत उखाड़ के दे दिया ये लीजिए ये क्या है दांत दिया है मैडम हमने कहा था ना वो ऐसी हरकत जरूर करेंगे अरे मैडम उन दोनों ने महारानी ऑफ तोतापुर के सामने हमारी इज्जत का धनिया बेइज्जती के लहसुन के साथ घोट दिया मैडम संगीत साबूदाना है मैडम ये तो ज्यादा हो गया मैडम ये दोनों आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं हद हो गई टू मच हाँ जी जी मम्मी जी हूं तो इंसाफ होना चाहिए जी हमारे मना करने के बावजूद उन दोनों ने यो हरकत की है दीप तो इंसाफ भी होगा और मामला साफ भी